बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप हम लोगों की दुआ है कि आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो अल्लाह पाक का करम है, हम सब लोग ठीक हैं। तो आज हम बाहर आए हुए हैं काम करने के लिए, छुट्टियाँ हैं ना, तो इसीलिए हमने इस छुट्टियों में सब काम करने हैं। तो आप लोगों से आज भी आप लोग इस चैनल पे हमारी सपोर्ट जरूर करेंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो जो लोग मेरे भाई परदेश में हैं, हमें बाहर से देखते हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी तरक्की दे, कामयाब करे और आपकी दुआओं से हमें भी तरक्की दे। तो अभी हम अपना काम करते हैं, फिर घर भी जाना है। तो अभी हम काम कर रहे हैं, ये मक्खी हम छील रहे हैं ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि काम कर ले, चलो फ्री है, फ्री रहने का क्या फायदा। तो इसीलिए हम ये काम कर लें। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आज हम वो तकरीबन 5 बजे आए थे, तो अभी 8 बज चुके हैं दिन के। तो अभी थोड़ी देर और काम करेंगे क्योंकि अब धूप काफ़ी हो गई है, तो फिर हम घर जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे। तो अभी हम मुझे छुट्टियाँ हैं, तो मैं रोज़ नई से नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पसंद आए मेरी वीडियो। तो आप लोगों ने मेरे चैनल से जुड़े रहना है और मेरी सपोर्ट करनी है और मेरे साथ साथ ही रहना है। तो इन वीडियो में मैंने बहुत से नए काम भी करने हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, लेकिन अभी नहीं बता सकती, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि आप लोग देख सकें कि मैं इन वीडियो में क्या क्या काम करती हूँ। तो मैं रोज नई से नई वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। अभी तक तो मौसम बहुत प्यारा है, ठंडा है, अभी तक तो हवा चली हुई है, अभी तो इतनी गर्मी फील नहीं हो रही। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इतना काम होता है कर लें, उसके बाद फिर ज़्यादा धूप आ जाएगी तो फिर हम घर चलेंगे। अभी थोड़ा ठंडा मौसम है तो अभी हम काम कर लें। की जिंदगी बड़ी सिंपल होती है, तो ये सारे काम भी करने पड़ते हैं। निकला है गल कर, वो उड़ गया मेरे ऊपर आ गया। ये बंजर क्या है, कहाँ गया, गुम हो गया। तो जी प्यारे वर्ष, गांव की ज़िंदगी बड़ी सिंपल होती है, सादा होती है। तो पहले तो मैं इतना काम नहीं करती थी, लेकिन अब छुट्टियां हैं तो मैं फ्री हूँ, पेपर भी दे लिए हैं, तो अब कोई और पढ़ाई भी नहीं है। तो इसीलिए मैं अब कहती हूँ कि घर वालों को सारे काम कराऊँगी, उनको साथ में टाइम बिताऊँगी, क्योंकि पहले तो मैं स्कूल जाती थी तो इतना टाइम नहीं देती थी ना घर को ना घर के कामों को। तो अभी मुझे छुट्टियां हैं, मैं फ्री हूँ, तो अभी मैं ये घर को टाइम दूंगी 2 माह और घर के काम करूंगी। तो आप लोगों को दिखाती रहूंगी कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ ही रहना है और मेरी सपोर्ट करते रहना है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो जी प्यारे व्यूअर्स, अभी मैं आप लोगों को अपने गाँव की फसलें दिखाती हूँ। हमारे आस पास आप लोग देख सकते हैं जरखेज फसलें हैं, तो इनके लिए 6 माह के लिए नहरी पानी लगाते हैं इनको उगाने के लिए हम लोग। तो और ये ट्रिबैन का पानी भी होता है, उसके लिए हमें ज़मीन के अंदर बोर करना पड़ती है और वो 350 फुट तक तकरीबन पानी आ जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इधर हमारे पास एक कपास लगा हुआ है, तो ये मैंने ली है छली, ये ना इसके हम फुल्ले बनाएँगे, वो जो बाज़ार में मिलते हैं ना, तो ये देसी छली है, तो इसके हम घर जाके फुल्ले बनाएँगे। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फसलें।
हो रही है, उसको भी फूल लगे हुए और ये अभी छोटा है। तो आप लोगों को अभी मैं वो तिल दिखाती हूँ जो हम उनसे भी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं खाने की, तो वो उधर दूसरी साइड पे लगे हुए हैं, तो अभी मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। प्यारे वो दूसरी साइड पर लगे हुए हैं तिल, वो भी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को मैं कल की वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी हमने घर जाना है, तो अभी मैं आप लोगों से यहीं पे अलविदा चाहूँगी, तो अपनी वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करूँगी। तो कल फिर इंशाल्लाह वो आप लोगों को बाकी चीज़ें दिखाऊँगी, तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मेरी वीडियो को देखते भी रहना है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, कल फिर नई वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।